बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईद के ऊपर भाई बहुत सी वीडियो मुझे आप भाइयों ने भी सेंड की और सोशल मीडिया के ऊपर भी मैंने बहुत सी वीडियो देखी और माशाल्लाह खुशी मनाई जा रही है जी भाइयों की तरफ से। जाहिर सी बात है ये दिन ही खुशी का है, लेकिन ना कुछ परदेसियों के लिए ये स्पेशल वीडियो क्यों बोल रहा है, शॉर्ट सी वीडियो मैंने बोला आपके साथ शेयर करता हूँ। यार ये देखें परदेसियों के, मैं खुद भी जैसा कि आपको पता सऊदी में होता हूँ, तो हमारी ईद कैसे गुजरती है। ईद वाले दिन उठेंगे सोकर जल्दी, ईद मस्त पढ़ लेंगे, घर आएंगे, कुछ सेवियाँ फेवियाँ वगैरह आप खुद ही बनाएंगे ना, जब वो खा लेंगे या कुछ गोश्त वगैरह बनाकर लाएंगे खा लेंगे, सो जाएंगे। अक्सर ऐसे ही होता है ना, कुछ मेरे जैसे बेचैन रूहें निकल जाते हैं मार्केट्स घूमने इधर उधर। मेरे चैनल के ऊपर अगर आप पीछे चलेंगे कुछ माह, चंद माह ही पहले जब से मैं पाकिस्तान हूँ उस टाइम से नहीं, चंद माह पीछे चलेंगे आपको हर मार्केट की वीडियो मिलेगी, जो पुराने मेरे सब्सक्राइबर हैं वो जानते हैं। तो ये वीडियो भी ऐसी ही है, कुछ किसी परदेसी भाई की सोशल मीडिया के ऊपर शेयर की गई और मैंने बोला यार आपके साथ शॉर्ट सा क्लिप शेयर कर दूँ। इसके दो रुख हैं, आप अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा। नंबर एक कि आप वीडियो देख लें, ये भाई बैठे हुए नून इस सलात, सऊदी अरब के हर शहर में है अल नून या नून इस सलात। मैंने भी कुछ चीज़ें इनसे परचेज की, ऑनलाइन चलता है इनका काम, तो ये बड़ा वरायटी इनकी अच्छी होती है जी। उनके ये राइडर हैं जी, यानी कि ये जो आप बोल रहे हैं पार्सल वगैरह, आप बोल रहे हैं कि इनको बोल रहे हैं कि राइडर बोल रहे हैं या जो भी बोलते हैं इनको, यानी कि आप बोल रहे हैं जैसा कि पिज़्ज़ा डिलीवरी वाले बॉय होते हैं या डिलीवरी मैन, इनको डिलीवरी बॉय बोल सकते हैं। तो ये पार्सल वगैरह लोगों के घरों में पहुंचाते हैं, बाइक है इनके पास। तो ईद के दिन किसी ने इनकी वीडियो बनाई है, ईद के दिन की वीडियो है, तो ये बैठे सड़क के किनारे अपना जो भी पेट पूजा कर रहे हैं, नाश्ता है या 12 बजे का खाना है ये शाम का है। तो बात करने का सिर्फ मकसद ये है, इसका एक तो रुख ये है जी, परदेसी ऐसी जिंदगी गुजारते हैं अपने प्यारों के लिए जो पीछे बैठे हुए हैं, उनके भाई पैसे कमाते हैं पीछे घरों के लिए भेजने के लिए। दूसरा रुख इसका ये है कि ये भाई साहब इनके पास टाइम भी नहीं होता है, ये भी चीज़ है। जो बाइक राइडर है ना, जो ऐसे डिलीवरी करते हैं, उनको वो बखूबा खूब ही जानते हैं, उनके पास टाइम भी नहीं होता है भाई। उनको पता है कि मैंने एक पार्सल पहुंचाना है तो उसके बाद दूसरा पहुंचाना है, तो जितनी पार्सल ज़्यादा पहुंचाऊंगा मेरी बचत उतनी ज़्यादा है। तो अक्सर ऐसे ही करते हैं, रोड के किनारे के ऊपर या कहीं बैठकर वहीं खा लिया और बाइक को किक लगाई, चलो जाने दो। तो ये चीज़ें होती हैं, तो एक इसका रुख ये भी हो सकता है। बहरहाल आपकी इसके मतलब क्या राय है मुझे।